शिमला, जिसे हिल स्टेशन का गहना कहा जाता है, आजकल भूस्खलन और बारिश की मार झेल रहा है। वर्ष 2023 में भारी बारिश ने शहर में भारी तबाही मचाई थी और इस साल भी बारिश का प्रारंभ होते ही वही डरावनी यादें ताजा हो गई हैं। बीती रात शिमला के स्थानीय बस स्टैंड और रिपन अस्पताल के करीब भूस्खलन हुआ। यहां नई पार्किंग का निर्माण चल रहा था, लेकिन भारी बारिश के कारण काम बंद कर दिया गया था। अचानक शुरू हुई इस भूस्खलन ने मुख्य मार्ग को बंद कर दिया और वाहनों की आवाजाही को बाधित कर दिया। नगर निगम शिमला के कृष्णानगर वार्ड के पार्षद बिट्टू पाना ने बताया कि हमारे वार्ड के मुख्य मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। पार्किंग निर्माण कार्य बारिश की वजह से बंद था, फिर से काम क्यों शुरू किया गया इसकी जानकारी नहीं है। यह स्थानीय बस अड्डा है जहां से शिमला के विभिन्न उपनगरों के लिए बसें चलती हैं। यह भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है और पुलिस के जवान ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में जुटे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है। अगले कुछ घंटों में स्थिति और बिगड़ सकती है। कल कोई रात को 8:30 बजे की घटना है और मैं तो उस टाइम घर में था, मुझे पता नहीं चला। एकदम ही नीचे ऐसे ब्लास्ट हुआ, पता चला कि इतना शोर हुआ, मैं थोड़ी सी आया तो उस टाइम तक ये गिर चुका। यहाँ पर पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है और पार्किंग का निर्माण कार्य बड़े जोरों से चल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर पता नहीं अचानक ये, मुझे नहीं लगता कि बरसात में शायद बंद किया हुआ था काम, ये एकदम क्यों तुरंत इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी तो उसको बरसात में बंद किया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ठेकेदार ने क्यों कार्य शुरू कर दिया। 5:30 बजे जब आया तो 5:30 बजे इलेक्ट्रिसिटी वाले 5:30 बजे के यहाँ पर पूरी टीम के साथ, यहाँ पूरे ऑफिसर्स के साथ लगे। यहाँ पर नुकसान अभी जो मेन है तो इलेक्ट्रिसिटी का ही है। दूसरा हमारा जो है पानी की पाइप भी है, वो भी जो 3 इंच की पाइप है वो भी यहाँ टूट चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि पानी उन्होंने छोड़ा नहीं है, मतलब पानी वालों ने इसको चेक भी नहीं। शिमला में प्रशासन और पुलिस लगातार काम कर रहे हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें। बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में जल भराव की समस्या भी गंभीर है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लोकल 18 के लिए शिमला से पंकज सिंगटा की रिपोर्ट।